गाइस वेलकम टू केडी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज मेरे पास है 120K, आप यहाँ पे देखिए। और ये जो है आया हैदराबाद का पीस है। इन्होंने स्पीकर कहीं तो दिखाया था कोई मैकेनिक ने, जो है आप देखिए इसकी क्या हाल कर दी है। इसे सब पे सोल्डर मारा था, ये तो कचरा कर दिया उसके बाद, ठीक है। सीडी के पूरे जो है अपने आप जो है सब आगे पीछे हो रहे हैं। कंट्रोल टूटा पड़ा है, कंट्रोल डालना पड़ेगा। पीस तो ऑन हो रहा है, पीस ऑन हो रहा है, यहाँ से तो ऑन नहीं हो रहा है स्विच वगैरह से, स्विच ऑन नहीं हो रहा है। रिमोट से भी ऑन नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ऑन हो रहा है, यहाँ से अपन फैन घूमता है ना, वो फैन घूम रहा है। और इसने एक कांड ये भी किया है, यहाँ पे देखिए इसने क्या किया है, यहाँ पे कनेक्शन सब अंदर से मार दिए है। अभी इसमें देखना पड़ेगा इन्होंने कितने कनेक्शन जो है अंदर से मारे हैं। ये बहुत गंदा काम है जो करते हैं ये, आईसी ना डालना पड़े। खाली एक स्पीकर पे इन्होंने तीन कनेक्शन मारा है, देखते हैं एक ही स्पीकर पे तीन मारा है या तीनों पे मार दिया है। ये देखो एक ही फ्रंट पे ही इन्होंने तीनों कनेक्शन मार दिए है, सराउंड के तीनों मार दिए सेंटर के बजाय। अब ऐसा थोड़ी ना चलता है यार, मैकेनिक बन के बैठे हैं, गाली निकल रही है मुँह से, बस पूरा कनेक्टर ख़राब कर दिया। कनेक्टर काटने की जरूरत नहीं, निकाल देता, डायरेक्ट मार देता, कहीं और से वायर लेके मार देता। ऐसे ऐसे जाहिल पड़े हैं। देखते रहिए, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या फॉल्ट है। जहाँ तक ये तीनों स्टीम आईसी जो लगी है ये ख़राब रहेंगी, यही ख़राब होती हैं इसमें। इसी को आईसी महंगी पड़ती है, इसकी वजह से आईसी ना डालना पड़े, इसकी वजह से जंपर उठा के मार देते हैं। देखते रहिए, मैं आपको बताता हूँ। इसको तो एकदम करके देना पड़ेगा, सी डी वी डी सब करके देना पड़ेगा, एकदम कंडीशन में पैनल डालना पड़ेगा, पूरा पीस करके देना पड़ेगा। आप देखते रहिए, मैं आपको बताता हूँ। इसके आईसी का पेंट भी अच्छा है, ऐसा आईसी तो मेरे को ख़राब नहीं लग रही एक भी यहाँ पे। ये आईसी वगैरह अगर ख़राब होता तो जला हुआ पेंट जला होता तो भी समझ में आता कि हाँ इन्होंने जंपर इसलिए मारा है कि जॉइंट जो है हुआ रहेगा इस पर। बट ये भी परफेक्ट है, आईसी वगैरह भी परफेक्ट है, इसका आउटपुट यही रहता है कि एक आईसी अगर ख़राब होगा तीनों ये भी डालना पड़ता है, इसका अलग इस सीन है। तो देखते रहिए, मैं पहले इसको रेडी करता हूँ। और ये सब जो किया है यहाँ पे देखिए, ऐसा किया है इसका, ये सब किया है, पहले इसको क्लियर करता हूँ, बोर्ड वगैरह वॉश करता हूँ, उसके बाद फिर हम करते हैं इसका आगे का। देखते रहिए अब। तो गाइज़ आप देखिए इसमें सी डी चल रहा है और ये पाँचों स्पीकर, पाँचों स्पीकर चल रहा है यहाँ पे। और ये भी मैंने डाल दिया दूसरा कनेक्टर पूरा, देखिए यहाँ पे एकदम नया कनेक्टर डाल दिया है मैंने पूरा, इसका ये सेट रैम आईसी डाला है, पूरा कंप्लीट ओके हो गया है, पूरा वर्किंग कर रहा है। इसमें ब्लूटूथ भी डाल दिया है मैंने, डिस्प्ले इस पर पूरा एकदम कंप्लीट जो है वर्क कर रहा है। यहाँ पे देखिए पूरा एकदम परफेक्ट काम कर रहा है ये। गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।